का तर्जुमा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जिसका इंसान मजाज ना हो उसका तर्जुमा क्या है। इजाजत नहीं है कि अलिफ लाम मीम या हुरूफ मुकत्तआत में से किसी का भी तर्जुमा किया जाए, इसकी इजाजत नहीं है। ये ज़बान है अल्लाह और मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरमियान की। खुदा चाहता है कि अपनी ज़बान आमना हो जाए। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना। क्या लोग ये गुमान करते हैं, क्या लोग ये सोचते हैं कि वो इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया न जाए। क्या उनका ख्याल ये है, उनका ये गुमान है कि ज़बान से अगर उन्होंने दावा किया और ज़बान से ये कह दिया कि हम ईमान ले आए तो ये ज़बान से कह देना काफ़ी हो जाएगा? नहीं, हम ला युफ्तनून ऐसा नहीं हो सकता कि वो आजमाए ना जा सके। वल्लकद फतन्नल लजीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इनसे पहले वालों का भी इम्तहान लिया है, इनसे पहले वालों की भी आजमाइश की है। फलयअलमन्नल्लाहुल लजीना सदक़ु वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह ये जान ले कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। अल्लाह सच्चे और झूठे को जान लेना चाहता है। तो क्या पता ये चला कि इम्तहान अल्लाह इसलिए ले रहा है ताकि पता चल जाए कि कौन दावे ईमान में सच्चा है और कौन झूठा है। झूठा अलग हो जाएगा और सच्चा अलग हो जाएगा। وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, पस से पहले भी अल्लाह ने आजमाया है, अल्लाह ने इम्तहान लिया है। क्यों? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, ताकि अल्लाह उन्हें जान ले कि जिन्होंने अपने दावे को सच कर दिखाया है, और उन्हें भी जान ले कि जो झूठे हैं। अल्लाह इम्तहान लेता इसलिए है ताकि सच्चा भी पता चल जाए और झूठा भी पता चल जाए। तो इम्तहान लिए बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह हर एक का इम्तहान लेता है, हर एक का परवरदिगार इम्तहान लेता है। लकद फतन्नल लजीना मिन क़ब्ल, इनसे पहले वालों का भी इम्तहान हुआ है, इनका भी इम्तहान हो रहा है, और हम आजमाते ही इसलिए हैं ताकि सच्चा और झूठा समझ में आ जाए, ताकि मोमिन और मुनाफिक का फर्क मालूम हो जाए। हम इसीलिए आजमाते हैं। आजमाइश किस
किसी और वजह से नहीं होती, आजमाइश होती है ताकि ईमान की पुख्तगी को देख लिया जाए कि कौन इस ईमान की किस मंजिल पे फाइज है। आइए, कुदरत ने कहा कि हम इम्तहान लेते हैं, हम इम्तहान लेंगे, हम इम्तहान लेते रहे हैं। पहले वालों का भी इम्तहान लिया है और तुम्हारा भी इम्तहान लेंगे। फिर आया आयत है जिसमें आजमाइश और इम्तहान का मसला परवरदिगार ने बयान फरमाया, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ हम किसी न किसी तरह से इनकी तुम्हारी आजमाइश करेंगे और जरूर आजमाइश करेंगे। क्या है आजमाइश के लिए, किस चीज से इम्तहान लेगा परवरदिगार आलम? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ हम कुछ न कुछ किसी न किसी तरह तुम्हारा आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तहान लेंगे। बेशक मिन अल खौफ, दुश्मन के खौफ से इम्तहान लेंगे। दुश्मन को तुमको मुसल्लत कर दिया जाए और उस पर देखा जाए कि तुम दुश्मन के सामने हथियार तो नहीं डाल देते हो, तुम दुश्मन के सामने खुद सुपुर्दगी का ऐलान तो नहीं कर देते हो, आया तुम हमारी राह में बाकी रहते हो कि नहीं रहते हो। और कुदरत फिर अजीब अंदाज में इरशाद होता है, अजीब अंदाज में इरशाद होता है, मिनल खौफ वल जूए वनक्स मिनल अंबाल, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे दुश्मन के खौफ से, दुश्मन के खौफ से तुम्हारा इम्तहान लेंगे, वल जूए और भूख से तुम्हारा इम्तहान लेंगे। यानी दुश्मन की कसरत होगी, तुम्हारी किल्लत होगी, तुम थोड़े से होंगे, दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। फिर हम ये देखेंगे कि तुम्हारे पाए सिवात में लफ्जिश तो नहीं आ जाती है, तुम्हारे पाँव लड़खड़ाते तो नहीं है, तुम हमारी राह में बाकी रहते हो कि नहीं। अगर तुम हमारी राह में बाकी रह गए तो हमारी नुसरत भी तुम्हारे लिए है, हमारा सब कुछ तुम्हारे लिए है। क्या तुमने यही नहीं देखा कितने लोग थे जो लड़ने के लिए आए थे इस्लाम की पहली जंग बदरुल कुबरा के अंदर? बदर में हजार या हजार से ज्यादा कुफार हैं और मुसलमान कितने हैं? 313, अल्लाह हू अकबर, 313 मुसलमान हैं। और इस्लाम अजीब है कि इस्लाम शुरू होता है तो 313 की सहाबियत पर, रुकता है तो 313 की सहाबियत पर। इसका अंदाजा करें कि ये कितनी अजीब चीज है। इस्लाम में जब पहली जंग हुई तो कितने साथी थे रसूल के? कितने थे? 313 रसूल के साथी, 313। और जब रसूल का आखिरी जानशीन पर्दे से आएगा तो उसके असहाब की तादाद वही होगी जो मोहम्मद मुस्तफा के असहाब की तादाद है। यानी इस्लाम जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आके ठहर गया है। इस्लाम की पहली जंग 313, तारीख ने लिखा है कि बूढ़ों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जवान तो बस थोड़े से थे गिनती के, 313। और 313 में भी बूढ़ों की तादाद, सलमान जैसी, क्या कहना, सुभान अल्लाह, जनाब अबू ज़र जैसे, मिक़दाद जैसे, जिनकी उम्र है सलमान की उम्र, अल्लाह हू अकबर। तारीख ने लिखा कि पैगंबर ने खुद बयान फरमाया कि जाओ अपनी दाढ़ियों को खिजाब करो ताकि दूर से देखने में जवान नजर आ, दुश्मन के ऊपर तुम्हारी हैबत हो कि जवान इतने जमा हो गए हैं। यानी ये रसूल की पॉलिसी थी। इसी टाइप का जुमला नहजुल बलागा में, मैं बदलूं तुम अपने ज़ईफ़ी को जवानी से तब्दील कर दो, ये खिजाब करके लोग मैदान में आए तो देखे, अरे इतने सारे जवान मोहम्मद के साथ हैं, इतने सारे सूरमा मोहम्मद, सलावात पढ़े मोहम्मद। ये हिकमत है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पैगंबर ने कहा था खिजाब करो, जितने बूढ़े थे सब ने दाढ़ियों को खिजाब किया और मैदान में आके खड़े हो गए। दूर से देखने वाले समझ रहे हैं कितने जवान हैं, वही जब मैदान में गए तो अंदाजा हुआ कि किस किस उम्र के आदमी थे, मगर अल्लाह ने उनको शीशा पिलाई हुई दीवार बना दिया। अब जिसे खुदा ताकत दे दे उसे कमजोर कौन कर सकता है, और जिसे खुदा कमजोर कर दे उसे ताकतवर कौन बना सकता है। जाओ, दुश्मन का खौफ, दुश्मन तीन गुने हैं,
तीन गुणे वो 1000 से ज्यादा है, ये 313 है। जब आप इसको देखेंगे तो वो तादाद निकल के आएगी कितनी बड़ी तादाद उनकी है और इनके पास क्या थी 313 नहीं। कुरान ने आबादी वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें दुश्मन के खौफ से आजमाएंगे, वलजू और तुम्हें भूख से आजमाएंगे, यानी भूख लग रही होगी और तुम हमारी राह में जिहाद के लिए निकलोगे। तब अंदाजा होगा कि जिहाद किसे कहते हैं। आपको हैरत अंगेज बात यह है कि रोजे को शरीयत ने जिहाद कहा है। एक सलावात पढ़े मोहब्बत वाले, कहीं पर रोजे को सब्र कहा है और कहीं जिहाद कहा है। कुरान की आयत अस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो सब्र से और सलात से, मदद मांगो सब्र से और सलात से, नमाज से मदद मांगो। तो सब्र से मुराद, जो उलमा और मुफस्सरीन ने लिखा है, सब्र से मुराद रोजा, रोजे से मदद। रोजे में आदमी सब्र करता है, ये मत खाना, वो मत खाना, यहां मत जाना, वहां मत जाना, ये बात मत कहना, इन सारी चीजों से आदमी सब्र करता है। मकरूहात से भी परहेज करने की कोशिश करते हैं आदमी रोजे में, ताकि उसका रोजा खराब ना हो जाए, ताकि रोजा उसका बेहतरीन रहे और रोजा उसका खराब ना हो जाए, मकरूहात से भी परहेज करता है। तो ये सब्र है, ये सब्र है। सब्र करना खुद एक जिहाद है, सब्र एक जिहाद है। हम तबीयत नहीं चाहती है कि इसको मान लिया जाए, मगर अल्लाह के हुक्म से उसे मान लिया, इसी को जिहाद कहते हैं। जिंदगी जिहाद मुसलसल है, अल्लाह की राह में एक सांस का गुजार देने का नाम जिहाद है। जिहाद मैदान में लड़ने को नहीं कहते, खुद अपने नफ्स के खिलाफ जंग करने को भी जिहाद कहते हैं। जिहाद की तीन किस्में हैं, जिहाद बिल लिसान है, जबान से जिहाद, जिहाद बिल नफ्स है, जिहाद बिल अलम है, जिहाद बिस सैफ है। और जिहाद बिस सैफ की मंजिल सबके आखिर में है। सबसे बड़ा जिहाद बिन नफ्स, अपने आप से लड़ना, अपने डिजायर से लड़ना, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ काम करना। जी चाहता है पानी पिए, मगर अल्लाह कहता है तुमने रोजा रखा है पानी न पीना। ये ठंडा पानी तुम्हारे सामने रखा हुआ है, ये इफ्तार के लिए बनाते हैं सब आप लोग, और उसमें बच्चे भी खड़े होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, और मगर वो सामने बर्फ का ठंडा पानी रखा हुआ है, शरबत रूह अफजा का, बेहतरीन किस्म का खुशबू देता हुआ शरबत रखा है। मगर बच्चे का रोजा है, जवान का रोजा है, बूढ़ा तो कहीं है ही नहीं माशाल्लाह, सब जवान ही हैं। तो सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अर्ज बहुजूर, तो मगर क्या मजाल है कि उसकी एक छींट भी कोई अपने होंठों तक आने दी, पानी की एक छींट, पानी की बूंद का जाना तो अलग बात है, छींट भी उसके शरबत की ना आने पाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं रोजा है, अरे एक बूंद चखे तो देखो कैसा है, मीठा है या नहीं है, मीठा किस काबिल है या नहीं है। नहीं हमारा रोजा हम नहीं चखेंगे, अरे चख लो ना। कहा नहीं, खुदा ने हुक्म दिया है, उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम जिहाद है। आदमी अपने से लड़ रहा है, अपनी ख्वाहिशात से लड़ रहा है, ख्वाहिशात पीछे डाल रहा है, भूख लगी है मैं खाना नहीं खाएंगे, नहीं जब तक अजान का इंतजार है। अरे अजान में 2 मिनट बाद में हो रही है, आप 2 मिनट पहले इफ्तार कर ले, क्या परेशानी है। नहीं, अजान हो जाएगी तो इफ्तार करेंगे, इसलिए कि अजान एहतियात की आखिरी तदबीर है। यहाँ एहतियात की भी आखिरी तदबीर है कि साहब आप आजान हो गए, अब इफ्तार कर लिया जाए, उससे पहले कोई नहीं करता। कहा इसी का नाम तो जिहाद है, जिहाद ही का नाम सब्र है। इसी को सब्र के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा। सब्र की 4 किस्में हैं, अगर उस पर बहस की जाए पूरे तौर पर तो उन 4 किस्मों से बहस होना चाहिए, मगर फिलहाल मैं कह रहा हूं कि वनक्सिम मिनल अम्वाल, नहीं हम तुम्हारा खौफ से इम्तहान लेंगे, हम तुम्हारा भूख से इम्तहान लेंगे। वनक्सिम मिनल अम्वाल, अम्वाल जमा है माल की, मालों के
कम हो जाने से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारे माल देखते देखते माल कम हो जाएंगे हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। फिर उसके बाद अम्बार के बाद कहता है वल अनफुस, और तुम्हारी जानों के तलफ हो जाने से, जानों के जाने से हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। बस समारात, और हम फलों से इम्तिहान लेंगे। अजीब बात, फलों से इम्तिहान लेंगे। ये फलों का क्या मतलब है? जहां जान चली गई, जहां माल चले गए, वहां फल की क्या औकात है? ये फ्रूट्स इसके क्या मेयार है? क्या नहीं, तुमने फल समझने की कोशिश नहीं की है। यहाँ फल से मुराद ये देखने वाला सेब नहीं है, ये नजर आने वाला अनार नहीं है, ये संतरा नहीं है, ये माल्टा नहीं है, बल्कि परवरदिगार क्या है? का समराज से मुराद तुम्हारी औलादे हैं, समराज से मुराद तुम्हारी औलादे हैं, हम तुम्हारी औलादों से भी तुम्हारा इम्तहान लेंगे। हम समराज से भी इम्तहान लेंगे। कितनी मंजिलें हैं इम्तहान की? दुश्मन का खौफ एक, भूख दो, नक्शे अम्वाल तीन, समरात चार। चार चीजें हैं जिनसे हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे। और कुरान कहता है बशर साबरीन, ए मेरे हबीब उन सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए कि जो माल से, जान से, समराज से, नक्शे अम्वाल से और खौफ से, हर एतबार से जो कामयाबी की मंजिलों तक गुजर जाएं, उन्हें बशारत दे दीजिए। ये बशारत वाले कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वही है कि जब इन पे मुसीबत पड़ती है तो मुसीबत से घबराते नहीं है, जज़ा फज़ा नहीं करते, डरते नहीं है, बल्कि कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए थे और हमें अल्लाह की तरफ जाना है, हमें अल्लाह की तरफ जाना है। मैं आज मैं यहीं पर रुकता हूँ और गुफ्तगू का एक मरहला तीन से पाँच मिनट के अंदर मरहला तय करके आपकी खिदमत में एक नतीजा दे रहा हूँ। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने पहली बात कही कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल जूइ वल खौफ, हम तुम्हें दुश्मन से आजमाएंगे, खौफ से आजमाएंगे, दुश्मन के खौफ से, भूख से आजमाएंगे, नक्शे अम्वाल से आजमाएंगे, अनफुस नफ्सों के जाने से, समराज से आएंगे, समराज से आजमाएंगे। ये पांच चीजें हैं इम्तहान का पेपर, इम्तहान के क्वेश्चन जो हैं ये पांच हैं, पांच इम्तहान के सवालात हैं। इन पांचों सवालात को जो करके गुजर जाएगा वो कामयाब होगा। पांच सवालात हैं, दुश्मन का खौफ, भूख, नक्शे अम्वाल, जानों का जाना, समरात का तलफ होना। ये पांच सवाल हैं, इन पांचों सवालों से जो गुजर जाएगा वही कामयाब होगा। तो कामयाब माबूद है कौन? क्या तुमने इसको समझने की कोशिश नहीं की? ये इम्तहान के पांच सवाल हैं, पांच सवाल के बाद नतीजा है। नतीजा क्या है? अल्लज़ीना, यही वो लोग इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी उनको बताया गया, इंडिकेट किया गया, वाज़ह किया गया कि वो लोग हैं कौन। कर जब वो मुसीबत पड़ती है तो वो रोते नहीं है, बिलखते नहीं है, बल्कि कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जिसकी ज़बान पर मुसीबतों से गुजर जाने के बाद ये कलिमा रहे इन्ना समझ लेना कि वही शख्स है जिसकी कामयाबी का ऐलान परवरदिगार कर रहा है। कायनात में एक ही शख्स है कि जिसने बच्चे के तीर लगने के बाद आंखों में आंसू नहीं आए हैं बल्कि आवाज देता है हाथों पर उठा के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बात कह के कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया। अल्लाह ने आयत पढ़ आयत उतारी है, आयत का मिस्ताक कौन है? हमने भूख से भी इम्तहान दिया,
दुश्मन का भी इम्तहान दिया, माल का भी इम्तहान दिया, जान का भी इम्तहान दिया, और ये फल, ये औलाद, ये समरा, ये फवादे कल्ब, ये मेरे हाथों पर है। और ये कहते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम कभी आगे बढ़ रहे थे, कभी पीछे हट रहे थे, लाशे अली असगर हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर है, और फातिमा का लाल कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, और ये कहते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह की तरफ पलट जाना है। ए फातिमा के लाल तेरी गुर्बत पर करोड़ों सलाम, ए फातिमा के लाल तेरी गुर्बत पर करोड़ों सलाम, के कभी अली अकबर जैसे जवान को राह खुदा में पेश किया, कभी अब्बास जैसे भाई को पेश किया, कभी कासिम जैसे भतीजे को पेश किया, कभी कासिम की पामाल लाश को उठाया, कभी अली अकबर के सीने से बर्छी की यानी खींची, और कभी भैया अब्बास के बाजुओं को हुसैन ने उठाया। अल्लाह हू अकबर। और आखिरी मरहला है कि हुसैन अपने हाथों पे एक नन्ना सा जनाजा लिए हुए हैं, 6 महीने का बच्चा है अली असगर, 6 महीने के बच्चे को हुसैन अपने हाथों पे लिए हुए जा रहे हैं, खेमे की तरफ जा रहे हैं। माँ से कहके आए थे कि शायद कोई पानी पिला दे, असगर को मख्तर में ले जा रहे हैं, और अब जो बच्चा को बच्चे को ले जा रहे हैं तो बच्चा नहीं जा रहा, लाशा जा रहा है, जनाजे अली असगर को हुसैन लेके जा रहे हैं, और इसी फिक्र में है, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, और फिक्र ये है कि माँ को जवाब क्या दूंगा। माँ पूछेगी मेरा बच्चा कैसे मारा गया, तो माँ को क्या जवाब दूंगा। हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, और पीछे हटते हुए हुसैन को एक मर्तबा फिजा ने देखा, शहजादी ज़ैनब ने फिजा से कहा, फिजा देख मेरे माँ जाए को गए हुए मक्तल में देर हो गई है। फिजा ने जरा सा पर्दा हटाया, देखा कि हुसैन कभी आगे आते हैं, कभी पीछे की तरफ हटते हैं। अब एक मर्तबा फिजा ने शहजादी ज़ैनब की तरफ रुख करके कहा, बीबी मेरा शहजादा कभी आगे आ रहा है, कभी पीछे हट रहा है। पर ज़ैनब अपनी जगह से खड़ी हो गई और एक आवाज दी, फिजा हुसैन को आवाज दे दे, अरे मेरा असगर मारा गया, असगर शहीद हो गया। और हुसैन ने को फिजा ने आवाज दी, हुसैन दरवाजे खेमा पाए और आती आवाज दी, बहन अली असगर आ गए हैं, रबाब की अमानत आ गई है। और सबसे पहले ये खबर जैसी सुनी, सकीना के कान में ये आवाज पड़ी, और सकीना दौड़ के बाहर आई और आके बाप के कदमों से लिपट गई। बाबा भैया अली असगर से इतनी मोहब्बत है, भैया को पानी पिला दिया, बाबा मैं प्यासी हूँ, बाबा मैं प्यासी रह गई। ये वो सवाल था कि फातिमा का लाल इसका कोई जवाब न दे सका। तो हुसैन ने अबा का दामन हटाया, अब जो अबा का दामन हटा तो असगर के गर्दन को सकीना देख के डरी और पीछे हटी, और पीछे हटी तो एक मरतबा तड़प पे कहती है, बाबा क्या भैया अली असगर की प्यास इस तरह से बुझी, इस तरह से प्यास बुझी। आजादारों बस आखिरी जुमला, एक माँ है, एक माँ है और दो बच्चे तारीख में देखे गए, एक का नाम अली असगर है और दूसरी बच्ची का नाम सकीना है। सकीना के जब कोई मुसीबत सुनता है तो तड़प तड़प जाता है, अली असगर के तीर का कोई बयान सुनता है तो इंसान तड़पता है। अब मगर अफसोसनाक पहलू एक बहुत बड़ा यह है कि इन दोनों बच्चों की माँ एक है, रबाब का चांद अली असगर करबला के दस्त में रह गया, नन्ही सी जान सकीना जिंदा ने शाम में रह गई। रबाब बार बार यही कहती थी, हाय सकीना जिंदा में है, असगर तपते हुए से इलाही बेहाफिज़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा।
परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, परवरदिगार हमारी दिली मुरादों को पूरा फरमा, परवरदिगार मरहूम मीन जिनके इसाले सवाब की मजलिस से उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी मगफरत फरमा, बहन रुबीना और हसन अब्बास भाई के मरहूमीन के लिए एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इसाले सवाब फरमा। चलो जाल पढ़ा दे, आप पढ़ा दे।